कोल्ड ड्रिंक वीआईपी डाइट, कोल्ड ड्रिंक की जगह डीआईपी डाइट शुरू कर दीजिए, कोकोनट वाटर, नारियल पानी, दुनिया का भगवान का बनाया हुआ सबसे बढ़िया मिनरल वाटर, राइट। वो हमने कौन सी चीज को बढ़ाना है ब्लड प्रेशर के लिए? पोटेशियम, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम। किडनी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर ने मना किया कोकोनट वाटर लेने के लिए, लिख के दिया है, वो मना किया, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट ठीक हो जाए। सो और अगर कोई पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, आप अगर कोकोनट वाटर देते हैं तो ही विल गेट क्योर्ड वेरी क्विकली। हमारे पास तो ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं। तो कोकोनट वाटर, कोल्ड ड्रिंक इज ए वीआईपी डाइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, दो चार वॉलंटियर्स स्टेज पे आ जाएं। आई नीड 2-3 वॉलंटियर्स टू बी ऑन द स्टेज। ये कुछ हैं जो आप, या यहां से भी ऑडियंस आ सकती है, ये लेके आप इसको लेके थोड़ा देखिए, बांटिए अपने आप आपस में। यू टेक दिस एंड यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योरसेल्फ। ये एक टुकड़ा लीजिए, इसको और टुकड़े कीजिए, आसपास दीजिए। या यू टेक इट इन योर हैंड। और ये बताइए मुझे, आइए इसमें से कुछ लीजिए और लेके, ये क्या है? ये आपको जो दिख रहा है, व्हाट इज दिस? ये क्या दिख रहा है आपको? तो ये अगर आप दूर से भी देख रहे हैं तो लीजिए लीजिए लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ले जाके, ये लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये देख रहे हैं तो दूर से पता चल रहा है, ये रोड जो बनता है ना, रोड कोलतार, एक्चुअली वही है, केमिकल स्ट्रक्चर वही वाला है, केमिकली वही है। लेकिन इसको बनाया कैसे मैंने? एक लीटर का कोक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक, उसको भगोने में एक घंटे तक उबाला, जब सारा पानी एवोपरेट कर गया तो जो रह गया वो ये रहा जो आपके हाथ में है। केमिकली इट इज सेम एज रोड। आज से 3-3.5 साल पहले एक आइडिया आया मेरे पास कि ये केमिकली तो रोड की तरह लगता ही है, और फरीदाबाद जहां मैं रहता हूँ वहां की हालत आप जानते हैं, अगर जो लोग जानते हैं, सड़कें वहां बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर साल गवर्नमेंट ना जाने कैसे सड़क बनाती है और वो टूट जाता है। तो मैंने अपने ऑफिस के साथ वाला जो सड़क है, मैंने हजारों बॉटल्स कोकोला के एक्सपायरी डेट वाला कोक ले लिया, उसको बड़े बड़े कंटेनर में उबाला, और मेरे ऑफिस के साथ वाले जो सड़क देखेंगे ना, वो सड़क ये रहा, लिटरली। और इस बात को 3.5 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट की सड़क 3 बार और बनके टूट चुकी है और ये वैसे का वैसे ही है। मुझे लगता है कोकोकोला की क्वालिटी वाकई में अच्छी होती है, तो ये आज भी ऐसे ही है, आप भी टेस्ट कर देख सकते हैं। एक्सपायरी डेट इसलिए भी को सस्ता मिलेगा, उतना पैसा कौन खर्च करे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यही चीज जब आपके पेट में जाता है तो जरा सोचिए क्या करता होगा। फिर कोई पूछता है कि मुझे ये पीना है, अब बताओ मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूँ, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि ईट फूड, आप खाना खाइए, लेकिन किस चीज को खाना बोलना है ये तो डिसाइड कर लीजिए ना पहले। आप एक ऐसी चीज को खाना बोल रहे हैं जो खाना है ही नहीं, और उसको खा भी रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हेल्दी क्यों नहीं हूं। अच्छा, ये खाना है कि नहीं है? इट्स नॉट ए फूड। अब मैं इसको खाने लगू बोलू मैं क्यों बीमार पड़ता हूं, तो क्या जवाब होगा? भाई खाना बंद कर दीजिए, यही तो बोलेंगे ना आप, बोले नहीं तो ये तो खाना है। तो अपने दिमाग का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है, बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी, राइट। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह कोकोनट वाटर, काउ मिल्क, अभी ब्रेक में छाछ मिलने वाला है, आज के लिए छाछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कल से रूल अप्लाई होगा घर जाने के बाद, राइट, अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, राइट। काउ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए, नट मिल्क। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को एक ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं, दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने, कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। बच्चे का जो पहले कुछ महीने हैं, वो भी माँ का दूध, राइट, मदर्स मिल्क। मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं, डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसे मिले एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही
30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट। सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं। इसके ऊपर जो कल का दिन न्यूट्रिशन डे है हमारा, तब मैं डिटेल में जाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर अभी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, टाइम की लिमिटेशन भी हमारे पास। तो कल के दिन में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। नट मिल्क कैसे बनाते हैं, 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 ग्लास पानी में मिक्सी में डाल दिया, और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया, और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए। तो ये इसको लीजिए, इसको पीजिए। ठीक इसी तरह से चाय की जगह हुंजा टी, हुंजा टी एक यहाँ पे हुंजा एक सिविलाइजेशन है कश्मीर के पास, वो WHO के अनुसार 100 साल वहाँ लोग जिंदा रहते हैं। वहाँ पे ना तो हॉस्पिटल है ना बीमारी है, अगर कोई डॉक्टर यहाँ से वहाँ जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, कोई पेशेंट ही नहीं मिलेगा उसको। तो हुंजा टी की रेसिपी मैं आपको दे दूंगा इसके बाद लास्ट में, तो वो आप ले सकते हैं। पैक्ड फूड की जगह रोज 1/2 किलो फल, और रिफाइंड फूड इस तरह के चीज़ों की जगह रोज 2 बार 400 ग्राम 400 ग्राम कच्ची सब्जी,